A very good morning students, welcome to e-learning classes of St. Michael's Academy. चलिए आज के क्लास में आपके लिए बहुत ही खुशखबरी से शुरू कर रहा हूँ, जिसका हम आपको और हमको बेसब्री से इंतजार था. वी आर लुकिंग फॉर CBSE टू रिड्यूस द सिलेबस. यस्टरडे पोखरियाल जी का ट्वीट आया और उसके बाद धड़ाधड़ CBSE साइट पर रिड्यूस सिलेबस आने शुरू हो गए. तो आप CBSE के साइट पर जाइए और आपको जानकर खुशी होगी कि 9 to 12 के 30% सिलेबस को रिड्यूस्ड कर दिया गया है. चलिए ये तो खुशखबरी की बात होगी. अब आपके लिए कि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ाए हैं, हो सकता है उसमें से कुछ पोर्शंस जो है डिलीटेड या रिमूव्ड हो गए हैं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे. इस ऑनलाइन टेस्ट में, फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट में, एक टॉपिक जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो उसका क्वेश्चंस तैयार हो गया है बच्चों, आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसको आपको पढ़ना नहीं है. अब आज मैं जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया था टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, उसके एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा. उसके पहले चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे, ऑलमोस्ट 85 to 90% बच्चे अभी तक इस सेशन में अपने को एनरोल नहीं किए हैं. यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, काइंडली एनरोल योर सेल्फ, गो टू द स्कूल ऑफिस. नाउ अ डे द सिचुएशन इज वेरी नॉट वेरी सपोर्टिव. घर से ही आप अपना फी जमा करें और अपने को एनरोल कर लें. और चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं. हमको वैल्यू निकालना है, ये सिंप्लीफाई करना है. तो जो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इस तरह क्वेश्चंस आएंगे. मान लीजिए आप नर्वस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट लगेगा, वो चार्ट आप तैयार कर लेंगे 0 to 90 degree का, और उसके बाद वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है. इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कोई रोल नहीं है, केवल आपको वो मेमोराइज होना चाहिए. चलिए साइन 30 degree, वी नो दैट दैट इज इक्वल टू 1/2. टैन 45 degree 1. कोसेक 60 degree इज द अपोजिट ऑफ, रिवर्स ऑफ साइन 60 degree, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3. अपॉन sec 30 degree इज द अपोजिट ऑफ cos, तो cos 30 degree इज इक्वल टू √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3. cos 60 degree दैट इज इक्वल टू 1/2, एंड cos 45 degree दैट इज इक्वल टू 1/√2. बस केवल इस वैल्यू को मेमोराइज करके हमें लिखना है, और सिंपल जो आपको अभी तक आप सीखते आए हैं क्लास 4-5 में, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. तो इसका एलसीएम हो गया हमारा ऊपर वाले का 2√3, 2 कट गया तो यहां हो जाएगा हमारा √3, प्लस 1 से करेंगे तो यहां हो जाएगा 2√3, माइनस √3 कैंसिल, 2 2 4, अपॉन फिर नीचे भी हमारा एलसीएम हो गया 2√, अब यहां पर एलसीएम हो जाएगा 2√3 और √2, ये तीनों होगा 2 into √3 into √2. √3 कट गया, 2√2 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हमारा 4√2. 2 से 2 कट गया तो √3 into √2 क्या हो गया हमारा, √6 हो गया. √2 से √2 कट गया तो 2√3 से मल्टीप्लाई किए 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 2√3. √2 का कैंसिल हो गया 2√3. अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा √3 plus 2√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये ऊपर चला जाएगा 2√3 into √2 अपॉन, इसमें कोई भी टर्म ऐड नहीं होगा, सब सारे अनलाइक टर्म है, तो इसको उसी तरह लिख देंगे 4√2 plus √6 plus 2√3. अब 2√3 और 2√3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, और √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 into √3 क्या हो गया बच्चों, √6 हो गया, माइनस 4√2. अब इसको केवल उतार देंगे हम लोग,
4 रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस 2 रूट 3, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्राय एग्जाम्स में आपको, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का एक बहुत ही, अब चूंकि अब सिलेबस भी कम हो गया है बच्चों, तो इसलिए अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे उसके आने की संभावना, उसके आने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, ये उसमें से एक क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आपसे। यहां हमारा tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री। अब हम चार्ट से याद करेंगे कि किस tan का वैल्यू, किस एंगल के tan का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो याद करेंगे तो आपको आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री। तो इस रूट थ्री को रिप्लेस करेंगे हम tan 60 डिग्री, tan tan का मतलब रिमूव हो गया, तो a प्लस बी क्या है हमारा 60 डिग्री। फिर यहां लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री। अब उसी तरह याद करेंगे किस tan का वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री होता है, तो ये होता है हमारा tan 30 डिग्री। दोनों तरफ से tan रिमूव हो गया, तो a माइनस बी क्या हो गया हमारा 1 अपॉन, सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बिगिनिंग के चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, इसमें a और b का वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन नंबर 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन नंबर 2। अब b और b कैंसल हो गया, a और a इज इक्वल टू 2a दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, फर्स्ट आंसर वी हैव गॉट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, a की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45, so b we have got that is equal to 15 degree। बिल्कुल आसान है। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब मैं फिर याद दिलाता हूं सब्जेक्ट रिड्यूस्ड हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके नहीं आएंगे, केवल इस बार के जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें वो आएगा, आपको नॉलेज के लिए उसको पढ़ना है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसको आप किनारे कर देंगे। अब चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लिया है आर डी शर्मा से, इसमें हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसका एक भाग जो है उसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां पर जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2। अब स्क्वायर उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब चार्ट देखकर आप याद कीजिए किस कॉस का वैल्यू, किस एंगल के कॉस का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो आप देखेंगे कि कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। यहां दिया हमको 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट उधर गया, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। किस tan का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है, आप जब कैलकुलेट करोगे चार्ट देखोगे तो आपको आप देखिएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, सो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन। चलिए तो मैंने आप लोगों को आपके विशेष मांग पर मैंने दोनों टॉपिक टी रेशियो और टी रेशियो पार्टिकुलर एंगल का रिवीजन कर लिया है, जो कि मैंने अप्रैल में पढ़ाया था। आपके ऑनलाइन टेस्ट के जो सिलेबस है वो 8.1, 8.2 और 8.3 है, लेकिन याद रखना ये 8.3 बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। आप सीबीएसई में जाकर cbse.nicin में जाकर लिखिए रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 10, सारे सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस आपको एक साथ मिल जाएंगे,
और उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है, इस पैंडेमिक कोरोना के कारण 30% सिलेबस को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो आपके लिए भी आसान हो गया बच्चों, और हमारे लिए, हम लोग के लिए भी आसान हो गया। तो आप तैयार हो जाइए, ऑनलाइन टेस्ट आपके डेट शीट चले गए हैं 15 to 17 जुलाई, और उसके लिए आपको इस सेशन के लिए एनरोल होना है। एनरोल कर लीजिए, आपको घर से बैठे ही आप एनरोल कर लीजिए, फीस जमा कर दीजिए और तैयारियां कीजिए। अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि जो सेकेंड हमारा मेजर टेस्ट है उसके लिए कौन सा पोर्शन हम लोग रिवीजन के लिए लेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप जो पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई ने जो गाइड किया है उसी पोर्शन का मैं रिवीजन करूंगा और उसी पोर्शन से सेकेंड मेजर टेस्ट लूंगा। इट्स अपॉन यू माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए विच पोर्शन यू वॉन्ट फॉर द सेकेंड मेजर ऑनलाइन टेस्ट, सो दैट आई विल टेक द रिविजन ऑफ ओनली दोज पोर्शन इन माई फॉलोइंग वीडियोज। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।